आज ग्राम नियोजन केंद्र नरकटियागंज के द्वारा समृद्धि परियोजना के अंतर्गत आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए नरकटियागंज प्रखंड के 18 गांव के 40 लड़कियों के दल को फकीरना के लिए हरी झंडी दिखाकर रोटरी क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने कहा कि अब गांव की लड़कियां भी आत्म सुरक्षा के गुण सीखेंगी। संस्था के कार्यक्रम समन्वयक अरुणेंद्र सिंह ने सूत्रों को बताया कि आज 23 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में नरकटियागंज प्रखंड के करघरवा, हरदी टेढ़ा, सलेमपुर, बिशुनपुरवा, शेरहवा, बरवा, सोफवा, सतवारिया, महुआवा, खिरिया आदि कुल 18 गांव के कुल 40 लड़कियां को लखनऊ के प्रशिक्षक अजय पटेल, विद्या कुमारी, सुष्मिता कुमारी द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाया जाएगा। संस्था के गाजियाबाद कार्यालय संचालक विभाष चटर्जी ने बताया कि आज के इस दौर में गांव की लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा की आवश्यकता अधिक हो गई है, क्योंकि शहर के लड़कियों में तो इसके प्रति जागरूक हो गई है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव में आए दिन अनेक हादसों के शिकार होती रहती हैं। इसलिए संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कियों के बीच आत्मरक्षा के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। रीमा कुमारी, महिमा कुमारी, सिमरन कुमारी, अनु कुमारी आदि लड़कियों संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के लिए बहुत उत्साहित थी। इस अवसर पर रोटरी क्लब के कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, रोट्रैक्ट क्लब के अध्यक्ष सुदिष्ट कुमार, चंदन कुमार, सुमित कुमार गुप्ता, नवीन कुमार, आदित्य प्रकाश, विजयानंदन एवं संस्था के शशिकांत पाठक, बहादुर मांझी, आदिल अहमद, प्रियंका जायसवाल, ओम प्रकाश कुमार, अवनीश कुमार, जूही कुमारी, सलोनी कुमारी, कृति कुमारी आदि उपस्थित थे। बेतिया से राजनाथ पुरी की रिपोर्ट।